हाय फ्रेंड्स, ACDC हैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेके आया हो जो ट्रांसफार्मर वेल्डिंग मशीन का जो रेजिस्टेंस कॉइल है उसका रिवाइंडिंग कैसे करें, उसका जो डाटा है इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज देख सकते हो मेरे पास है ट्रांसफार्मर वेल्डिंग मशीन का रेजिस्टेंस कॉइल जो पूरी तरह से जल चुका है। तो आज उसका रिवाइंडिंग कैसे करते हैं पूरा इस वीडियो में इसका डाटा आपको दिखाने वाला हो। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस कॉइल पूरी तरह से जल चुका है, तो इसको पहले आग लगाकर साफ कर लेता हूँ अच्छी तरह से। वैसे तो साफ नहीं होगा, कॉपर का है, पूरा हार्ड हो गया है। अब उसको थोड़ा आग लगाकर इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेता हूँ। कॉपर का आग लगाने पर थोड़ा नरम हो जाता है, तो उसको अच्छी तरह से साफ करके इस कॉइल को यूज़ करके नया कॉइल बनाऊँगा। तो देखिए कैसे बनाता हूँ। पहले तो अच्छी तरह से इसको आग लगाकर सॉफ्ट कर लिया, बाद में इसको ऐसे एक रॉड की तरह से ऐसे खींचूंगा तो सीधा हो जाएगा। सीधा होने के बाद उसको रोल करके ऐसे रख दूंगा। रखते हुए इसको टैपिंग करना पड़ेगा, तो उसको टैपिंग करने के लिए कॉटन टेप का ज़रूरत होगा। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे इसको टैपिंग करता हूँ कॉटन टेप की सहायता से। फ्रेंड्स ये देख सकते हो कैसे कॉटन टेप से रैप कर रहा हूँ। इसमें पूरा अच्छे से रैप करना है, खींच खींच के, नहीं तो ये ढीला हो जाएगा। ढीला होगा तो वो निकल सकता है और इंसुलेशन हट सकता है। तो अच्छी तरह से खींच करके अच्छी तरह से इसको टैपिंग करना है कॉटन टेप से। ए फ्रेंड्स, अब टैपिंग करके रेडी हो गया है। इसको आप फ्रेम रेडी करने वाला हो इसको कॉइल बनाने के लिए, जो मैं पहले वीडियो में ये दिखा दिया हो कैसे बनाता है वेल्डिंग मशीन का कॉइल। तो इस वीडियो में जाके देख सकते हो फ्रेंड्स। इस वीडियो में रेजिस्टेंस कॉइल के बारे में बात करने वाला हो, तो देखते रहिए। इसको अच्छी तरह से टेपिंग करना है वर्टेक्स पेपर लगाकर। तो ये रेडी हो चुका है। अभी जो उसका जो डायग्राम है आपको दिखाने वाला हूँ, तो अच्छी तरह से देख लीजिए डायग्राम कैसे है इसका, डायग्राम कैसे बनाना है। पहला जो फास्ट सिरा होगा वो होगा हाई का। उसमें जो छोटा कॉइल है उसमें सबसे छोटा निकलेगा वो पहला होगा, बाद में दूसरा बड़ा होकर होते सबसे लास्ट में, जितना बड़ा होगा वो लास्ट में होगा। तो देखो छोटा से बड़ा आपको ऐसे करना है। देख सकते हो एक कॉइल का ड्राइगम में लास्ट में जो सिरा निकलेगा वो लो होगा। आप गिन सकते हो पहला वाला जो निकलेगा वो जो 300 का होगा 300 होगा, लास्ट का 50, ऐसे आइडिया कर सकते हो। तो इसमें स्लिप लगा कर अभी इसमें भी वाइंडिंग करेंगे, तो अच्छी तरह से स्लिप लगा लीजिए। तो हमारे पास जो वेल्डिंग मशीन का रेजिस्टेंस कॉइल है ऑयल वाला है, ऑयल और ड्राई बाइक सेम ही होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो इस चैनल में पाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे खींच खींच कर वो कॉइल बनाना है रेजिस्टेंस कॉइल का। अच्छी तरह से पिटना है इसमें, अच्छा नहीं होगा तो फूल जाएगा कॉइल। तो देखते रहिए फ्रेंड्स कैसे रेजिस्टेंस कॉइल का
कॉइल रिमेनिंग होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो ट्रांसफॉर्मर मोल्डिंग मशीन का जो रेजिस्टेंस कॉइल है वो पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें अच्छी तरह से बांधकर इसको टैपिंग करना है। तो देखिए कैसे टैपिंग करता हुआ बनता हो। बांध लीजिए अच्छी तरह से टाइट करके जो निकले ना। तो बांधने के बाद इसको अच्छी तरह से कॉटन टेप की सहायता से इसको टैपिंग करना है इस तरह से। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कैसे टैपिंग करता हो। इसमें टैपिंग करने के बाद उसका जो होल्डिंग मशीन का जो पॉइंट है जिसमें लगेगा उसमें ऐसे ऐसे हुक की तरफ पॉइंट बनाना है जिसमें कनेक्ट होगा। तो अच्छी तरह से इसको ऐसे बनाना है, देख सकते हो। छोटा वाला प्लास लेकर लास्ट में होने के बाद इसमें बार्निश करना है अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो इस भी चैनल में पाते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।